पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस किसानों का अपडेट हो चुका है, क्योंकि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त आज मिलने वाला है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए आपका स्टेटस में क्या क्या सही होना चाहिए, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा। आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए और आपका फादर्स का नाम सही होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर इसमें होना मैंडेटरी है, मतलब मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस भी देखना होगा कि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस सही है कि नहीं है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपका यहाँ पर लैंड सीडिंग एस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एस लिखा हुआ। उसके बाद आपका ई केवाईसी भी एस होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर नो लिख के आ रहा है तो पीएम किसान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस एस होना चाहिए, क्योंकि आधार बेस पर पैसा भेजा जाता है, इसलिए आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। आधार एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड एक्टिव नहीं है, एनपीसीआई एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक हेयर पर। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आधार के वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। वहाँ पर आधार नंबर डालकर वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक एनपीसीआई के साथ लिंक किया हुआ है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में। यहाँ पर मेरा 17वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो करा, क्योंकि आज हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 100% मिलेगा। और यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड यस भी लिख के आ चुका है। और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनका कहना है कि मेरा एफटीओ प्रोसीड नो शो करा और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अपडेट हो चुका है, तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिक्कत नहीं है, आपको पैसा 100% मिलेगा। इनका पहले अपडेट हुआ है इसलिए इनको पहले पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको पैसा दिया जाएगा, वो भी आपको आज शाम तक मिलेगा, या नहीं मिला तो कल सवेरे तक आपको पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस खाली शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ टी ओ प्रोसीड एस लिख के आ रहा है, यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट या कोई ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा लेट से पैसा मिलेगा। अगर आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट इस तरह करके लिख के आ रहा है तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको केवाईसी करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आपका इस जगह पर कोई दूसरा प्रॉब्लम शो कर रहा है और यहाँ पर प्रोसीड काफ़ी दिनों से शो कर रहा है, तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपका यहाँ पर क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आपका ये कंडीशन यहाँ पर शो करा, मतलब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अपडेट हो चुका है, एफटीओ प्रोसीड भी आ चुका है और यहाँ पर स्टेटस खाली शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो पैसा आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप अपना स्टेटस जल्द से जल्द चेक कर ले ताकि आप निश्चिंत हो पाए कि मेरा पीएम किसान योजना का पैसा आएगा। अगर आपका स्टेटस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर आप बताएं। अगर आपके पास बेनिफिशियरी स्टेटस का स्क्रीनशॉट है तो आपको क्या काम करना होगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का कोशिश हम जरूर करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।